कहता है एक बीम है इलेक्ट्रॉन की, वो इलेक्ट्रॉन की बीम पास थ्रू द अनडिफ्लेक्टेड म्यूचुअली परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। अब देखो एक इलेक्ट्रॉन की बीम है, चलो मान लो इलेक्ट्रॉन भी वेलोसिटी से जा रहा है। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड ऑब्वियसली दोनों लगा हुआ है, तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड लगा हुआ, चलो मैं मैग्नेटिक फील्ड बोर्ड के अंदर लगा देता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है प्यारे बच्चों। तो यहाँ से मैं मैग्नेटिक फील्ड बोर्ड के अंदर लगा दिया जो कि क्रॉस है, तो इस इलेक्ट्रॉन पे ये अनडिफ्लेक्टेड जा रहा है यार, ये अनडिफ्लेक्टेड ऐसे चलता चला जा रहा है। तो ऐसा कैसे हो सकता? ऐसा तभी हो सकता है जब नेट फोर्स इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एग्जिस्ट है और दोनों का नेट फोर्स जीरो हो। आ रहा है ना समझ में? तो अगर भाई इलेक्ट्रिक फील्ड है और चार्ज पार्टिकल है तो फोर्स तो लगेगा ही लगेगा, है ना? तो उस फोर्स को, इलेक्ट्रिक फील्ड के फोर्स को मैग्नेटिक फील्ड कैंसिल कर रहा होगा या मैग्नेटिक को इलेक्ट्रिकल कैंसिल कर, बात बराबर है? तो यहाँ से नेट फोर्स जीरो है, तो मैग्नेटिक फोर्स देखोगे तो वी क्रॉस बी, तो फोर्स बी अंदर है, बी इधर है, तो बी क्रॉस बी फोर्स ऊपर गया मैग्नेटिक। तो इलेक्ट्रॉन के केस में ये फोर्स क्या होता है, नीचे की डायरेक्शन में लग जाता है, तो ये दिस इज द फोर्स वर्टिकली डाउनवर्ड मैग्नेटिक फोर्स। नहीं समझ में आया? देखो पॉजिटिव चार्ज पे जो फोर्स होता है वो क्यू वी क्रॉस बी होता है, और इलेक्ट्रॉन के केस में इस फोर्स को हम बदल देते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक निगेटिव चार्ज पार्टिकल है, तो माइनस ई वी क्रॉस बी हो जाता है। तो ये पॉजिटिव चार्ज के लिए लगेगा और ये निगेटिव चार्ज के लिए लगेगा, तो ये मैग्नेटिक फोर्स अगर तुम देखोगे तो वी क्रॉस बी ऊपर आ रहा, मतलब मैग्नेटिक फोर्स नीचे आ रहा। तो अगर मैग्नेटिक फोर्स नीचे आया तो इस पे जो इलेक्ट्रिकल फोर्स है वो तो ऊपर काम कर रहा होगा, तो अगर इलेक्ट्रिकल फोर्स ऊपर काम कर रहा है तो इलेक्ट्रिकल फोर्स जो होता है पॉजिटिव चार्ज के लिए वो क्यू ई होता है, और इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रिकल फोर्स निगेटिव चार्ज के लिए माइनस ई होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट होता है। इसका मतलब ये हुआ यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो नीचे होगी। तो ये सारे वेक्टर आपको समझ में आ गए, इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे होगा, इलेक्ट्रिकल फोर्स ऊपर होगा, मैग्नेटिक फोर्स नीचे होगा, मैग्नेटिक फील्ड बोर्ड के अंदर होगी, वेलोसिटी वेक्टर इधर होगा, तब जाके वो अनडिफ्लेक्टेड चल रहा होगा। क्लियर है? अब ये सब तो चलो ठीक था यार, यहाँ तक तो बात कोई गड़बड़ वाली बात नहीं है। कहता है अगर मैं सेम मैग्नेटिक फील्ड इज मेंटेन, इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं जीरो कर दूँ, अगर मैं अचानक से इलेक्ट्रिक फील्ड को जीरो कर दिया तो इलेक्ट्रिक फोर्स भी तो जीरो हो जाएगा क्योंकि चार्ज तो जीरो नहीं हो सकता। तो इसका मतलब ये हुआ कि जैसे ही मैं इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ करूंगा ये फोर्स गायब हो जाएगा। तो अब इस फोर्स की वजह से जो जो वेलोसिटी ऐसे थी, जो वेलोसिटी ऐसे जा रही थी उस पर नीचे की डायरेक्शन में फोर्स एक लगने रहा परपेंडिकुलर, तो वो उस इलेक्ट्रॉन को वी क्रॉस बी उस सर्कल में, इस टाइप के वर्टिकल सर्कुलर प्लेन में, बोर्ड में घुमा देगा, रोटेट करा देगा, जो हम मैग्नेटिज्म में पहले ही पढ़ चुके हैं। मतलब ये इलेक्ट्रॉन ऐसे बोर्ड के सर्कल में मूव करने लगेगा जो इस पॉइंट पे ऐसे जा रहा था, हर पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी बदलने लगेगी, इस पॉइंट से स्पीड हर पॉइंट पे कांस्टेंट रहेगा, वेलोसिटी बदलने लगेगी, मतलब पाथ सर्कुलर हो जाएगा, ये वाला चीज़। ठीक है, हम मैग्नेटिज्म में कर चुके हैं।